गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई कनिका कमिट टू बी विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई कोलीग्स फ्रॉम COVID-19. आई प्रोमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस. आई प्रोमिस टू फॉलो एंड इनकरेज अदर्स टू नो द की COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So, dear students, today we will start the chapter sentence. In your first assignment, we discuss the sentence. What is a sentence? Okay. Now, in this assignment number 2, we will discuss your book exercise. First page of your book, the chapter, the sentence. Now, you see, अनजम्बल ईच सेट ऑफ वर्ड्स एंड फॉर्म अ सेंटेंस. बेटा, जैसे कि आपको सेंटेंस का बताया था, एक मीनिंगफुल जो वर्ड्स होते हैं उनको हम एक सेंटेंस में डालते हैं, तब एक सेंटेंस जो है वो बनता है. ठीक है, जैसे इसमें फर्स्ट अ ब्यूटिफुल इज पेंटिंग व्हाट दिस, ये जम्बल वर्ड की तरह दिया गया है. इसको हमने वर्ड्स में सिंपल वे में बनाना है, एक सेंटेंस में बनाना है, तभी ये हमारा पूरा सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल जो है वो बनेगा. व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज. जार ब्रोक द हु ब्रोक द जार. टुनाइट टू एम कंसर्न्ड गोइंग आइदर. आई एम गोइंग टू द कंसर्न्ड टुनाइट. वंस द एट डोर ओपन. देखो, ये कुछ नहीं समझ लग रही ना कि हमें क्या बना हुआ है. जब मैं इसको आंसर में कन्वर्ट कर रही हूँ फिर आपको ये पूरा सेंटेंस क्लियर हो रहा है. ओपन द डोर एट वंस मीन्स कि डोर ओपन करो एक बार में. शी वेल सिंग्स हाउ हाउ शी हाउ वेल शी सिंग्स. योर वट नेम इज वट इज़ योर नेम. ये क्वेश्चन फॉर्म में आ गया. तो ये जो थे अनजम्बल जो सेट ऑफ वर्ड्स थे, हमने इसको एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया. बेटा, नाउ यू जस्ट ओपन योर पेज नंबर 3. आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. मार्क डी फॉर डेक्लरेटिव सेंटेंसेस. आई फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. आई एम फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. एंड ई फॉर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. जैसे कि हमें पता ही है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये सारे सेंटेंसेस के जो मीनिंग्स जो थे वो समझाए थे. अब देखो, जो तो क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन फॉर्म अ सोसाइटी. अब ये क्या आ गया, ये हमारा एक क्वेश्चन फॉर्म में आ गया. तो ये हमारा क्या हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस. द न्यूज़ केम एज अ कम्प्लीट सरप्राइज. इसमें हमें क्या, हमें डायरेक्शन दी जा रही है, बताया जा रहा है, तो ये हमारा क्या आ गया, डेक्लारेटिव. व्हेन डिड दे कम टू अ डिसीजन. वो कब करेंगे अपना डिसीजन, कब लेके आएंगे, ये क्वेश्चन फॉर्म है. तो ये हमारा आ गया इंटरोगेटिव. आई हाउ लेट द ट्रेन इज. जो ट्रेन है वो कितनी लेट है. अभी एक्सक्लेमेशन का मार्क पड़ गया ना इसके पीछे, तो ये हमारा क्या आ गया, एक्सक्लेमेटरी. वी हैव टू पुट ई. वट अ नाइस फेलो ही इज़. अब उसमें भी वो एक्सक्लेमेटरी का मार्क पड़ गया और वो बोल रहा है कि वो कितना अच्छा फेलो है, बंदा है, तो इसमें भी क्या आ गया हमारा, ई. कैन यू प्ले द पियानो. क्या तुम पियानो जो है वो प्ले कर सकते हो. अब इसमें क्वेश्चन फॉर्म आ गई, तो ये हमारा आ गया इंटरोगेटिव. वूल कम्स फ्रॉम शीप. अब ये हमें बता रहा है कि जो वूल है वो शीप से आती है, तो ये हमारा क्या हो गया, डेक्लारेटिव. डिड इट रेन लास्ट नाइट. क्या लास्ट नाइट को रेन, जो रेन थी वो हुई थी. ये क्वेश्चन फॉर्म है, तो ये हमारा आ गया इंटरोगेटिव.
टेक अप द चैलेंज. अब उसमें क्या है कि टेक अप द चैलेंज, अब चैलेंज लो. अब ये हमारा क्या आ गया, इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव में मैंने बताया था ना आपको लास्ट वीडियो में कि कमांड जिसमें आए, रिक्वेस्ट आए या एडवाइस करें, तो उसको हम क्या लेते हैं, इम्पेरेटिव. तो हमने क्या लिख देना है, आई एम. मारिया इज़ लिविंग फॉर मोरक्को टुमारो. मारिया जो वो जा रही है, कहाँ जा रही है, मोरक्को में जा रही है. तो ये हमारा क्या आ गया, डेक्लरेटिव. पे अटेंशन, अब इसमें कमांड की जा रही है कि अटेंशन करो, ये क्या आ गया हमारा, इम्पेरेटिव सेंटेंस. मैनी रोड्स आर स्टिल ब्लॉक्ड, बहुत सारी जो रोड्स हैं वो स्टिल ब्लॉक्ड, वो ब्लॉक्ड जो है वो हो गई हैं, ये क्या आ गया हमारा, डेक्लरेटिव. नाउ कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट टैग क्वेश्चंस. बेटा येस्टरडे आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट असाइनमेंट दैट व्हाट इज़ द टैग क्वेश्चंस. टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं, जहाँ पे हमें जो सेंटेंस है वो हमें पॉजिटिव में दिया जाता है, तो उसका आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा. जो नेगेटिव में स्टेटमेंट दी जाती है उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा. लाइक दिस, यू विल बी कमिंग टू द पार्टी, तुम पार्टी में आ रहे हो. वॉन्ट यू, जो टैग क्वेश्चंस होते हैं ना वो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, वो अपने आप में ये क्वेश्चन होते हैं और जो हमारा स्टेटमेंट है ना उसी में से वो निकल जाते हैं. वॉन्ट यू, क्या तुम आ रहे हो. प्रिया लाइक्स टू ड्रॉ पिक्चर्स, डजंट शी. देखो अभी ये जो थे हमारे टू सेंटेंसेस ये पॉजिटिव में थे और इनके जो टैग क्वेश्चंस हैं वो हमारे किस में आ रहे हैं, नेगेटिव में. ये हमारे पॉजिटिव में थे और जो टैग क्वेश्चंस हैं वो हमारे आ रहे हैं नेगेटिव में. पीटर एंड बेन आर स्टडिंग इंग्लिश, आरंट दे. हिमांशु वॉन्ट बी लेट, अब ये नेगेटिव था ना और ये पॉजिटिव में आ गया. विल ही. चित्रा कैन स्केट वेल, कांट शी. नाउ लतिका डजंट लाइक मिल्क, अब ये क्या है, डजंट, ये फिर से हमारा जो है वो नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव में. पॉजिटिव टैग क्वेश्चन, डज शी. दिस फिल्म इज़ बोरिंग, ये फिर हमारा जो है पॉजिटिव में है, तो अब इसका आंसर हमारा किस में आ रहा है, नेगेटिव में. इजंट इट. यू डोंट नो मीरा, अब ये भी हमारा नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में करेंगे. डू यू. राजू कैन स्पीक इंग्लिश वेल, जो राजू है वो इंग्लिश जो है वो अच्छी बोल लेता है, अब ये पॉजिटिव में है तो इसका आंसर हमारा आ गया नेगेटिव में, कांट ही. वी गो टू स्कूल बाय बस, ये भी हमारा पॉजिटिव में है तो अब इसमें क्या आ जाएगा नेगेटिव में, डोंट वी. सो स्टूडेंट्स दीज आर अवर टैग क्वेश्चंस. ओके, अब आप लोगों ने इस सब को अपनी बुक में जो है वो अच्छे से लिख लेना है. इसकी आपको एवी जो है वो रिटन असाइनमेंट भी है वो आ रही है, वो भी आपको इसके साथ ही मिलेगी. तो आप सब ने इसको अच्छे से समझ के और इसको लिख लेना है. थैंक यू.